हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे पास में एक अभी ये हाइब्रिड जनरेटर का जो डीसी अल्टरनेटर होता है ना, उसका कन्वर्टर है ये। ठीक है, तो अल्टरनेटर तो डीसी कोई भी नहीं होता, सारे एसी होते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट करता है ये उसका कन्वर्टर है। डीसी 54 वोल्टेज जो है कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, तो इसमें सारे डाइवोड्स हैं ये इसके जो है, ये दोनों जो है पॉजिटिव बस बार है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये एक साइड के, ये मेरे जो है साइड पर अभी मैं जा रहा हूँ, उसके ये डाइवोर्ट्स ख़राब हो गए हैं। ठीक है, तो ये डाइवोर्ट्स मैं अभी निकालूंगा और दूसरी साइड पे लगाना है, क्योंकि उसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम करा है। ये दो डाइवोर्ट्स जो हैं ये ख़राब हो गए हैं। ठीक है, डाइवोर्ट, और ये इसमें ये सेंसर लगा हुआ है, ये हाई टेम का जो अल्टरनेटर में सेंसर होता है ना, ये वो सेंसर है। और ये सब सारी इसमें केबलें लगी हुई होती हैं इसमें। ठीक है, इसका क्या सिस्टम है और कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, ये 54 वोल्ट DC में है, हाइब्रिड जनरेटर में, उसमें ये यूज़ होते हैं, ये वर्टिकल में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड से मतलब बंद होने वाले, जो आसान भाषा में जो हम बोलते हैं ना, जो दोनों दोनों साइड से बंद हो जाते हैं ना, वो से वाले डाइवर्ट से हैं। लेकिन इस जनरेटर का काम करना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, ये बहुत दिक्कत देने वाला काम है। 54 वोल्ट DC में ये बहुत प्रॉब्लम करता है, इतना इजी नहीं है जितना लगता है लोगों को कि बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है। ठीक है, कभी भी काम करना है इसमें तो बहुत केयरफुल होके, मैं खोल के दिखाता हूँ अभी इसमें कैसा सिस्टम है, ये कैसा इसका डाटा क्या है। ये डायोड से, ठीक है, मिलर हो रहा है ये वाला, ये अब तो समझ गए होंगे ना ये कैसे काम करता है। ये दोनों साइड से काम करता है, AC DC, और ये मतलब कन्वर्ट में यूज़ होता है। ये पूरा सिस्टम इसके जनरेटर के अल्टरनेटर के पीछे साइड में लगा हुआ होता है, तो मैं अभी दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में।